हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक एंडलेस सब्जेक्ट के साथ लेकर आ रही हूँ, जो कि है कंटेम्पररी ऑडिट। और उसका एक टॉपिक ही आपका है ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होता है, इसको जानने से पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि ऑडिटर का काम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि जब आपकी कंपनी में कोई काम पूरा होता है, साल का जो काम होता है, मतलब ईयर एंड, ईयर हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर माना क्या जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर होता है। और फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो हम लोग के काम होते हैं, जो भी कंपनी के जो वर्क्स होते हैं, उनका एक रिपोर्टिंग या ऑडिटिंग की जाती है। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि उस कंपनी में क्या काम हुआ, क्या बैलेंस शीट में क्या आया, क्या गया, कितना एक्सपेंसेस हुए, क्या कॉस्ट लगी, क्या रेवेन्यू आया, उन सब चीजों का लेखा जोखा रखना है, कैलकुलेशन करना। ये कैलकुलेशन करता कौन है? कंपनी का ही एक आदमी नहीं करता है, कंपनी का मालिक या कंपनी का ओनर एक आदमी को या एक पर्सन को अपॉइंट करता है। उस पर्सन का ये काम होता है बेसिकली कि वो उसकी रिपोर्ट तैयार करे कि कंपनी में कैसा क्या किस हिसाब से काम चल रहा है और उसका डॉक्यूमेंटेशन किस हिसाब से किया जा रहा है। तो ऑडिटर आता है, उसी को बोलते हैं ऑडिटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर दो टाइप्स के होते हैं, कह सकते हैं आप लोग, कि एक प्राइवेट ऑडिटर होता है और एक गवर्नमेंट ऑडिटर होता है। प्राइवेट ऑडिटर किसको बोलते हैं, जो कि ICAI के थ्रू, ICAI के अंडर में जिसको सर्टिफिकेशन मिला होता है, जो कि CA, इसको हम लोग बेसिकली CA बोलते हैं, और वो प्राइवेट ही फॉर्म्स वगैरह में वो वर्क करता है, जाके ऑडिटिंग करता है अपनी। लेकिन जो एक नेक्स्ट वन एक गवर्नमेंट ऑडिटर होता है, उसका क्या काम होता है कि वो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंटेड होता है, उसका सर्टिफिकेशन जो है वहीं से नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, सरकार की तरफ से वो नियुक्त किया जाता है, और वो सरकार का ही ऑडिटर होता है। कहने का मतलब वो सरकारी कंपनी, सरकारी कार्यालय, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, उनका वो ऑडिटिंग करता है। उसको जो गवर्नमेंट सैलरी देता है, गवर्नमेंट देता है, क्योंकि एक जो ऑडिटर होता है उसके रेमुनरेशन एक फिक्स होता है। लेकिन जो प्राइवेट ऑडिटर होता है, उसका रेमुनरेशन हम लोग के हिसाब से फिक्स किया जाता है कि जो हमारे उनके बीच होता है, कंपनी के ओनर और कंपनी के जो ऑडिटर, जो उसको अपॉइंट किया गया, उसके बीच में किस तरीके का समझौता हुआ है, किस तरीके का एग्रीमेंट फाइनल हुआ है और किस फीस पर उसको हमने फाइनल किया है, वो हमारे उसकी बात होगी। बट जो गवर्नमेंट ऑडिटर होता है, उसके सिर में क्या होता है कि वो गवर्नमेंट ही फिक्स करती है उसकी सैलरी,
प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेरिफिकेशन। उस वेरिफिकेशन करने के बाद उसका आता है वैलिडेशन। क्या ये तो वेरिफिकेशन हो गया कि इधर सब मेरी चीज आई थी, लेकिन अब ये भी चेक करना है कि क्या वो फर्नीचर, मान लो ये फर्नीचर आया था, ये फर्नीचर क्या 10,000 रुपए का ही है? क्या वो लग रहा है 10,000 रुपए का? उन्होंने वैलिडेशन जब किया तो उस वैलिडेशन में पता चल रहा है कि क्या वो 10,000 रुपए का ही है या कितने का है, ये 9,000 का है या 12,000 का है कि 8,000 का है कि 5,000 है। ये चीज चेक करना क्या होता है? वैलिडेशन, मतलब उस चीज का मूल्यांकन करना, उसकी वैल्यू को आंकना, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या आपने पहुंची, सेकंड नंबर पे प्रोसेस है आपका वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के बाद वैल्यूएशन। ये सब प्रोसेस जो करता है ऑडिटर, ऑडिटिंग में आपके इस प्रोसेस के बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? ऑडिटर्स रिपोर्ट, या फिर उसको ये भी बोल सकते हैं हम केशव की रिपोर्ट। हिंदी में अगर बोलना चाहें तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि उसको आप केशव की रिपोर्ट कहते हैं। अब ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट जिसको बोल सकते हैं, मतलब ऑडिटर्स रिपोर्ट के प्रकार हिंदी में। फर्स्ट इज क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट एंड सेकंड वन इज क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ और अमर्यादित रिपोर्ट, और नेक्स्ट वन इज क्वालिफाइड रिपोर्ट। जो जो देखा वो हम करते चले जा रहे हैं, रिपोर्ट में निकालते चले जा रहे हैं, वो
लेस होती है बिना रिपोर्ट के। क्या आप कहने का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे कि अगर ऑडिटर आया है और ऑडिटर ने ऑडिटिंग तो कर दी बट उसने रिपोर्ट नहीं दिया थी, तो वो ऑडिटिंग ऑडिटिंग नहीं मानी जाएगी, ठीक है, बिना रिपोर्ट के। और बिना रिपोर्ट में उसके साइन के, रिपोर्ट में उसके साइन होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, डेट डलनी चाहिए और उसमें उसका उसकी जो मोहर होती है, सील होती है, सीए की जो सील होती है या जो गवर्नमेंट ऑडिटर है उसकी जो मोहर होती है उसको लगाना जरूरी है, तो तब वो रिपोर्ट जो है वो सही रिपोर्ट और बेस्ट रिपोर्ट मानी जाती है। ये नहीं कि आप लोग बिना हस्ताक्षर, अगर आपने हस्ताक्षर नहीं किया और रिपोर्ट में अगर कुछ भी मिसिंग है तो वो रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी या बिना रिपोर्ट के ऑडिटिंग इज यूजलेस। मतलब उसका वो कहने का मतलब है कि वो टाइम वेस्टेज हो गया जो उसने वहां किया, गलती से भी भूल से भी अगर वो रिपोर्ट बनाना तैयार करना भूल गया है फिर भी वो ऑडिटिंग यूजलेस मानी जाएगी। क्लियर?